Hello to everyone. I'm architect Vinod Sharma. Today we'll learn about how to design. या फिर डिज़ाइन को कैसे कर सकते हैं हम लोग. जनरली क्या होता है कि लोग गाइड करते हैं स्केचेस के थ्रू और स्केचेस देख के ही हम लोग ड्राइंग को बनाते हैं. लेकिन ऐसा भी होना चाहिए कि आदमी को खुद को ही वो डिज़ाइन करने आना चाहिए, न कि किसी के गाइडेंस पे काम करे हमेशा की तरह, न किसी के ऊपर डिपेंड होना चाहिए. तो उस तरह डिज़ाइन करने के लिए पहले तो जो थॉट्स है, थॉट प्रोसेस, जो एक सोचने की जो एक प्रक्रिया है, जो सोचने का एक क्षमता है, थिंकिंग प्रोसीजर, उसे करना बहुत ज़रूरी है. तो कोई भी हम लोग चीज़ डिज़ाइन करते हैं, जो भी विजुअली दिखता है, जो आँखों से दिखता है और हमें अच्छा लगता है, तो पहले डिज़ाइन के जो डेफिनेशन है वो देखते हैं. व्हाट इज़ डिज़ाइन? डिज़ाइन इज अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एलिमेंट्स टू सूट द फंक्शन. उसको हिंदी में कहेंगे तो डिज़ाइन को इस तरह से देख सकते हैं कि कोई भी जो एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स को इस तरह उसकी अरेंजमेंट करते, उस तरह व्यवस्था करते ताकि वो फंक्शन सक्सेसफुल हो जाए. इसलिए हम लोग इसको एक डिज़ाइन के तौर पे, कंपोजिशन के तौर पे लेते हैं और स्टार्ट करते हैं कि कंपोजिशन के थ्रू हम लोग कैसे डिज़ाइन तक पहुंच सकते हैं. फर्स्ट वी विल टेक रेक्टेंगल और वी कैन टेक अ रेक्टेंगल फ्रॉम हियर. इसको स्टार्ट किया हमने, एक ब्लॉक बना दिया और एक ब्लॉक बनाने के बाद में उसके लगता है जब हम उसके आधार की ओर देखते हैं, उसके बेस की ओर देखते हैं तो काफ़ी स्टेबल दिखता है. क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है, होराइजन की तरफ उसका आधार ज़्यादा है, इसलिए स्टेबल है. अगर मैं इस रेक्टेंगल को खड़े टाइप में लेता इस तरह से, मैंने लिया पतला रेक्टेंगल, तो इसकी जो स्टेबिलिटी पावर वो कम है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट रेक्टेंगल. तो इस तरह से जो कंपोजिशन बना है एक रेक्टेंगल लेके, वो बहुत ही सिंपल है. लेकिन इसमें हम लोग सिर्फ स्ट्रेट लाइंस को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे सीधी लाइन को सिलेक्ट किया हमने और एक स्टार्ट किया और ड्रॉ किया. इफेक्ट के द्वारा हम लोग इसको सीधी तरह दिखा सकते हैं, ये स्ट्रेट लाइन. अब इसको कॉपी भी कर सकते हैं, क्योंकि जो भी डिज़ाइन होता है उसको रिपीट कर सकते हैं हम लोग बार बार, क्योंकि उसे उस डिज़ाइन को हाईलाइट करना होता है. तो मैं 3 बार यहाँ पे कॉपी मार के रिपीट किया. तो जैसे पहले रेक्टेंगल दिख रहा था, अभी उसमें 3 लाइन आ गए, तो जो इफेक्टिव एरिया हो गया वो 3 लाइनों की वजह से हो गया. और इस कंपोजिशन में और भी अगर हम एक रेक्टेंगल ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करके देखते हैं कि कैसा दिखता है. अभी मैंने बॉटम साइड में किया, एक इफेक्ट आया उस पर. अभी इसको सेम रिपीट किया हमने रेक्टेंगल और इसको ऊपर की तरफ खींच दिया. तो इस तरह से एक जो कंपोजिशन बनता है, एक इसको जो रेक्टेंगल दिख रहा है इसको हम अलग अलग ढंग से उसको कलर भी दे सकते हैं. और कलर देने के पहले पहले फॉर्म जो है, एक्चुअल फॉर्म, उस फॉर्म को डेकोरेट करना होता है, उसको हाईलाइट करना होता है. तो अभी मुझे ये कंप्लीट नहीं लग रहा कंपोजिशन, तो उसे कंप्लीट करने के लिए कुछ और भी एलिमेंट डालना पड़ेगा. तो मैं इस तरह से फिर से एक नया रेक्टेंगल लेता हूँ और इस रेक्टेंगल को फिर से ये कर दिया मैंने. तो इस तरह से कंपोजिशन पैरेलल और क्रॉस पैरेलल एक कंपोजिशन बना सकते हैं. फिर से कुछ इसके जो पेरीमीटर है, जो एक बाउंड्री है, उसके बाहर भी जाते हैं, हाईलाइट करते हैं. इस तरह से आपका रेक्टेंगल के थ्रू एक नया एक डिज़ाइन, एक एलिवेशन बन गया. तो
इस तरह से हम कुछ भी करते हैं तो एक आइडिया आता है दिमाग में और बनने के बाद में उसका इफेक्ट भी दिखता है। अभी पूरे जो भी हमने कंपोजिशन में लिया है सिर्फ रेक्टेंगल और स्ट्रेट लाइन के थ्रू लिया है, उसको अभी हाईलाइट करना है। हाईलाइट हम कलर के द्वारा कर सकते हैं ताकि हमारा जो पोर्शन जो हमें दिखाना है उसे वो हाईलाइटेड होना चाहिए। तो हम उसको हाईलाइट करने के लिए उसको लेयर में जाके एक लेयर बनाते हैं। लेयर क्रिएट करने के लिए एक बार लेयर क्रिएट हो गया, उसमें उसके थिकनेस वगैरह देते हैं, थिकनेस 0.3 ले सकते हैं या फिर आपके अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। उसको कलर चेंज करते हैं वो, उस कलर को सिलेक्ट करके हैचिंग करते हैं, हैच कमांड डाल के उसको हाईलाइट करते हैं, सॉलिड में हैच सिलेक्ट करते हैं, ये डम में डाल दिया, इधर डाल दिया। तो जो पोर्शन हाईलाइट करना है मैं उसी को हाईलाइट कर रहा हूँ। तो इस तरह से एक कंपोजिशन कुछ ही सेकंड में तैयार हो गया। एक एक बिल्डिंग का एलिवेशन बन सकता है, या फिर हम इंटीरियर करते हैं तो इंटीरियर के वॉल का एक सो सो पैनल बन सकता है, वॉल यूनिट बन सकता है, इसमें हम टीवी यूनिट भी रख सकते हैं। तो ये फर्स्ट सेकेंड वीडियो है मेरा जिसमें डिज़ाइन कंपोजिशन का, इसके आगे भी मैं वीडियो बनाते रहूँगा। थैंक यू।